सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुमाज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चने की दाल के हलवे की रेसिपी, या आप इसको चना दाल बर्फ़ी भी कह सकते हैं क्योंकि इसे हम टुकड़ों में जमाएंगे। आप चाहें तो इसको हलवे की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 कप चने की दाल ली है मैंने, और इसे मैं जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए जो है वो भिगो दूँगी। इसको पहले हम करेंगे वॉश और उसके बाद हम इसको भिगो देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप थोड़े गर्म पानी में इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन दाल जो है वो देखें अपने साइज़ से डबल हो चुकी है और अब इसको हमें करना है बॉयल। तो मैं यहाँ पे 3 कप चने की दाल के लिए ले रही हूँ 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध में हमें इसे बॉयल करना है तकरीबन 40 मिनट्स में, 35 to 40 मिनट्स में ये दाल हमारी जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाएगी और ये नरम हो जाएगी। और ये जो जितना भी इसका जो इसमें जो दूध डाला है ये तकरीबन हमें बिल्कुल खोश नहीं करना। ये देखें यहाँ पे जो है वो जोश आ गया है, तो इसमें को मैं मीडियम टू लो पे जो है वो रख दूँगी ताकि दाल का जो दाना है बीज का वो अच्छे से गल जाए। और ये देखें मीडियम टू लो मैंने आंच कर दी है इसकी, और ये इस कंडीशन में जब आ जाएगी तो हल्की सी मैं आंच इसकी तेज़ करूँगी और थोड़ा सा जो, क्योंकि दाल इस वक्त हमारी तकरीबन गल चुकी है बिल्कुल, तो क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है तो इसे हमें अच्छे से गलाना है। ये देखें कितनी नरम सी दाल हो गई है। और अब ये जो बाकी का जो मॉइस्चर है इसको मैं थोड़ा सा जो है वो खुश करूँगी और थोड़ा सा रहने दूँगी, मतलब इतना रहने दूँगी कि ये ग्राइंड हो जाए आराम से। और इसको ग्राइंड करने के लिए हमें कोई पानी या मज़ीद दूध की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैं इसको चॉपर में डालूँगी और इसको कर लूँगी ग्राइंड। ये दाल अच्छे से हो गई है ग्राइंड, और अब मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन और इसमें मैं डालूंगी 1 कप घी। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, और अगर असली घी आपको यूज़ करना है तो आप असली घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है वो मैं बनस्पति घी यूज़ कर रही हूँ, और इसमें जो है हम सारा जो है जब ये थोड़ा सा ऑयल हमारा हो जाएगा गर्म तो बहुत ही ध्यान से आपने इसके अंदर दाल का पूरा मिक्सचर डालना है। और दाल का मिक्सचर डालने के बाद हमें इसकी करनी है भुनाई, और तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। अभी आप इसके अंदर जो है वो चीनी वगैरह शामिल नहीं करिएगा क्योंकि जब हम चीनी शामिल कर देंगे तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। दाल का कच्चापन बेसिकली हमें ख़त्म करना है। तो ये देखेंगे कितना अभी जो है वो चिपक रहा है चमचे से, तो इसका मतलब है कि दाल में अभी कच्चापन है। और जब ये चमचा जो है वो बिल्कुल भुनाई करते करते चमचा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तो इसका मतलब है दाल हमारी जो है वो भुन चुकी है। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया था इस पर भूनते भूनते। तो चमचा मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है क्योंकि उस चमचे से थोड़ा सा हाथ मेरा सेट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने डाली है 2 कप चीनी और 1/2 टीस्पून डाला है मैंने इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर डाला है। आप चाहें तो कूट के भी इसको अच्छे से डाल सकते हैं। और जब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे तो चीनी भी अब अपना पानी छोड़ेगी और इसको हमें फिर मज़ीद 10 से 15 मिनट तक भूनना है। तो ये देखें हमारा कितना अच्छा सा जो है वो दाल का कलर आ गया है। इसकी कोशिश हमें यही करनी है कि हम जो है वो इसकी भुनाई से ही इसका कलर लेकर आएं। और यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा और 1 टेबल स्पून ही मैंने डाली है इसमें किशमिश। आपको अपनी पसंद से जो भी ड्राई फ्रूट इसमें अच्छा लगता है, अगर आपको कटा हुआ खोपरा अच्छा लगता है तो आप कटा हुआ खोपरा भी डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ते, जो भी आपको इसमें डालना है वो आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें खोपरा और किशमिश डाला है और बादाम मैं ऊपर से डालूँगी क्योंकि जब मैं बीच में थोड़े से इस तरह के नट्स वगैरह डाल देती हूँ तो मेरे बच्चे जो है वो थोड़ा सा मसला करते हैं खाने में।
तो ये देखें, ये अच्छे से जो है वो भुन चुका है और इसका बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका कलर थोड़ा डार्क करने के लिए इसमें जर्दे का रंग भी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ में जो है वो भुनाई करके इंशाल्लाह इस तरह से कलर आ जाएगा बहुत अच्छा गोल्डन सा। यहाँ पे मैंने ट्रे को कर लिया है ग्रीस और इसके ऊपर हम इस हलवे को फैला देंगे। और ये देखें पैन कितना साफ़ सुथरा है, आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप धो लीजिएगा फिर भी। तो यहाँ पे जो है वो चने की दाल का हलवा तैयार है और इसको मैं जो है वो इसको फ्लैट कर दूंगी बिल्कुल, और इसके ऊपर डालूंगी बादाम। और बादाम डालने के बाद इसको हल्के से स्पैचुला से जो है वो मैं प्रेस कर दूंगी ताकि बादाम इसके अंदर जो है वो चले आए, मतलब थोड़े से प्रेस हो जाए। और गरम गरम पे ही मैं थोड़ा इसको जो है वो इसके पीसेस करूँगी। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी हलवे की तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको पीसेस में काट रही हूँ। तो गरम हलवे को ही हम काटेंगे क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम गरम में ही इसको जो है वो इसके पीसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायगनल में इसके पीसेस कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मिल्की टेस्ट पसंद है तो फिर आप इसमें आधा पाव खोया भी शामिल कर सकते हैं, तो इससे इसका टेस्ट और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसे दूध में अच्छे से पकाया है तो इसमें इतना खोए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको खोए का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसमें आधा पाव या एक पाव के करीब खोया भी शामिल कर सकते हैं। एक से डेढ़ घंटे के लिए मैंने इसको बाहर रखा था और ये अच्छे से जो है वो जम चुका है, तो मैं इसके पीसेस जो है वो प्लेट में निकाल के सर्व करूँगी। आप इसे किसी एयर टाइट जार में स्टोर करके भी रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में रखें चाहे तो बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दियों में ही बनाई जाती हैं और सर्दियों में ही अच्छे लगती हैं, तो इसमें क्योंकि मेहनत बहुत लगती है तो ये गर्मियों में थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, लेकिन सर्दियों में आप इसको मज़े से बना के स्टोर कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।